मालक युगो युगतानी तान तान श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र प्रीति गोदा रंगमान ने चंद्र जी हो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दिया विचार शुरू करने तो पहला मेरी बेनती है मेरे भैनों ने मेरी हाथ में रखे बेनती है कि 10 मिनट का कादर का बच्चो प्लीज आज गल किसे पूरे नहीं करने की जिद करता अज दिल करता कि किसी रोज पूरे की गल करिए जरा आप तो गुणगुण है ही सी जरा आप तो पूरा सी जिन्हें अपने मरीजों में पूरा किया जिन्हें क्या खालसा मेरा रूप है का बड़ी जी कृपा की साढ़े से ਤਾਲੂਗੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਤਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ तकरीबन 24 साल के लंबेरे अरसे 39,000 किलोमीटर तो वादा पेंडा तय करते हुए मानवता सीधे रस्ते पाने उपरंत सिखी की पहली क्लास करतारपुर जो हम पाकिस्तान में है उसे शुरू की ज्योति जोत समाउन तो पहला सतगुरु जी ने एक नवी रवायत देखिया दुनिया के लगता ने बाबा लहना जी तखत से विराजमान किया पांच पैसे के नारियल मत्था टेक के परिक्रमा करके आप सब तो पहला गुरु लहना जी जो हम गुरु अंगद देव जी बन चुके सन उन्होंने पवित्र चरणों में सब तो पहला आप मत्था टेकिया दुनिया बड़ी हैरान सी कि वो गुरु नानक जिहड़े जग सारा जग जिहड़े पैरां दे उत्ते आके चुकिया अज जो बाबा लहना जी दे पवित्र चरणां ते अपना आशीष दिंदे हो। 5 सितंबर 1539 नूं गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह ने दुनियाई गद्दी गुरु अंगद देव साहिब सच्चे पातशाह ने बख्शी सी ते 22 सितंबर 1539 नूं ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਖੰਡ ਵਾਜੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵੀਕ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ ਇਹ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਕੀ 2 ਗੁਰੂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾਨਕ ਸਕੰਦੇ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਧੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਬਾਜਮਾਨ ਹੋਏ 5ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਚਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਅਸਰ ਸੀ ਮਕਾਲਮ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਡੈਥ ਆਫ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਇਸ ਗ੍ਰੇਟ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸਿੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੜਾ ਕਰਤਾ ਬੜਾ ਭੁੜਕ ਭੁੜਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਕੋ ਦਵਾਨਾ ਤੋਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਕੋ ਦਵਾਨਾ ਤੋਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਪਰ ਵਕਤ ਕੀ ਜ਼ਲਕਾਰ ਕੋ ਰੋਕੇਗਾ ਫਸੀਲੇ ਆਤਿਸ਼ ਵਾ ਆਂਗਨ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਸਹੀ ਫਸੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਧ ਨੂੰ ਆਤਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗ ਨੂੰ ਆਣ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਬਰੂਦ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ
पर हयात की ललकार कौन रोकेगा। मेरे ख्यालों की परवाह को रोकने वाले हर कबीले की तलवार कौन रोकेगा। छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह तख्त ते विराजमान होए पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुरु भारी अर्जन काया पंज के मूर्त हर कबीले सवारी चली पीड़ी सोटियां रुत वटा बनवा दो। साढ़े 14 साल की उम्र गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह तख्त ते विराजमान होए सिखी एक नवे सरूप चली गई। सिखी की सतवीं क्लास गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने कीरतपुर साहब शुरू की थी। गुरु हरकृष्ण का होते हुए सिक्खी की नौवीं क्लास गुरु तेग बहादुर साहब जी दे उस क्लास के इतिहास बने। जो सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब गुरगद्दी से विराजमान हुए उन्होंने मोटिया से एक बड़ी बड़ी जिम्मेवारी थी। वो जिम्मेवारी वो थी कि जो मिशन गुरु नानक ने शुरू किया संपूर्णता तक लैके जाना। उसके वास्ते तख्त भय तख्ते के लाए ओदा ही योग गुरु को लगाना चाहिए थी। संगत जी मेरी गल सुनो ध्यान न। गुरु तेग बहादुर साहब जी का आनंद कार्ज 6 फरवरी 1633 हो गुरु गोबिंद सिंह जी का जो जन्म है वो 5 जनवरी 1660 32 साल 10 महीने से 29 दिन का मतवा गया 33 साल का मतवा। सतगुरु जी ने तो मात गुजरी ने गल चुपनता पा के बेनती की अकाल पुरख के सरदार जी एक महाबली पुत्र चाहता महायोधा चाहता महापरोपकारी महागामी अकाल पुरख के सिमरन कर गया सिमरन हो गया। दुनिया का एक एक लेवल होया गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जिन्होंने अपनी आत्म कथा आप लिखी है। एक जन्म की नहीं पिछले जन्म की लिखी है। सब को देख रहे हैं तात मात को अगर चक्का करता वो कुछ जो साधना साधना तिल जो करी अलग की सेवा ताते पर प्रसन्न को देवा तब प्रभ आयुष मो किया तब हम जन्म करूंगे। मात गुजरी